जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीटेट के 2011 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट करवा रहे थे। इसका हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज हम उसके दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा, देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्या निकालना है बेटा, परिमाप निकालना है। किसका निकालना है, समचतुर्भुज का। तो पहले समचतुर्भुज की बात करते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और इनके मध्य से क्या निकाले जाते हैं, विकर्ण निकाले जाते हैं, जिनको हम D1 और D2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, हमें चाहिए क्या इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है बेटा, परिमाप बराबर। परिमाप बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप कहलाता है 4 × भुजा। क्या होता है, 4 × भुजा। और भुजा क्या है हमारी, एक। क्या पूरे प्रश्न में कहीं पर भी भुजा का भुजा दी गई है क्या, नहीं दी गई है। तो भुजा नहीं दी गई तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, भुजा निकालना पड़ेगा। तो समचतुर्भुज का भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होती है, 1/2 विकर्णों के वर्गों का योगफल। तो क्या कर देंगे बेटा, 1/2 × कितना था, 8 था विकर्ण और 6 था विकर्ण, तो 1/2 कर देंगे। इधर कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना कहलाएगा, 64, और 6 का वर्ग कितना कहलाएगा, 36। 64 में 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 × कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 किसका वर्गमूल होता है, बोलोगे सर 10 का होता है, 2 का भाग लगाएंगे 10 में, कितना आ जाएगा, 5। तो भुजा कितनी आ गई बेटा हमारी, भुजा कितनी आ जाएगी हमारी, 5। अब वो पूछ क्या रहा था, परिमाप। तो परिमाप क्या बताया था अभी हमने, परिमाप कहलाता है समचतुर्भुज का 4a। तो 4 × a का मान कितना निकाला अभी हमने, 5। तो आंसर हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर घनों को एक पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो एक बक्से की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है कितनी है बेटा, 10 है, 8 है, इंटू 6 है, तो कितनी हो जाएगी, 480 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 480 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करना है, तो हमें कितने इस आकार के कितने बक्सों की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर देंगे बेटा, 6240 में हम कितने का भाग लगा देंगे, 480 का भाग लगा देंगे, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचेगा इधर, 8 से काटेंगे इसको, हम 8 से काटेंगे तो 8 × 6 = 48, या फिर सीधा काट देंगे 6 से काट देंगे, 6 × 8 = 48 हो गया। 6 से काटेंगे, 6 × 6 = 0 और 6 × 4 = 24, 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 × 1 = 8, कितना शेष बचेगा, 2, तो 8 × 3 = 24। तो कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, 13 बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने बक्सों की पड़ेगी, 13 बक्सों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। चलेगा किसी दिन सुबह 6:14 से रात 8:02 तक घंटों तथा मिनटों की संख्या बतानी है। मतलब पूछ क्या रहा है कि सुबह 6 बज के, कितने बज के, सुबह 6:14 से लेकर रात 8 बजे तक, रात 8:02 तक कुल मिलाकर कितने घंटे और मिनटे हुए हैं। तो देखिएगा बेटा जी, कितने बज रहे, सुबह 6:14 है, अगर हम इसमें 12 घंटे जोड़ देंगे तो शाम के कितने बज जाएंगे, 6:14 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इसमें 2 घंटे जोड़ेंगे तो 8:14 हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कितना है, 8:02, तो हम इसमें 1 घंटा जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, अभी हम 1 घंटे और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7:14 अब मुझे बताना कि इसको मैं 7:14 हो गए, अब 8 बजने में कितना समय बचा हुआ है, तो
बोलोगे सर 8 बजने में अब 46 मिनट बचे हुए हैं। कितने मिनट बचे हुए हैं बेटा? 46 मिनट बचे हुए हैं। अगर हम 46 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो 8 बज जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए 8:02, मतलब हम इसमें 2 मिनट और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 8:02 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 8:02। लेकिन हमने जोड़ा कितना है तो 12 घंटे तो जो हो गए थे, 1 घंटा जो हो गया, तो कुल मिलाकर कितने घंटे हो गए? 13 घंटे हो गए। और मिनट कितने जोड़ रहे थे? 46 मिनट तो ये जोड़ रहे थे और 2 मिनट जोड़ रहे थे, तो कुल मिलाकर कितने मिनट जोड़ रहे थे बेटा? 48 मिनट जोड़ रहे थे। कितने मिनट जोड़ रहे थे? 48 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 13 घंटे 48 मिनट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 210 के धनात्मक गुणनखंडों का क्या बताना है? योग बताना है जी। कल क्वेश्चन करवाया था मैंने गुणनखंडों वाला, आज फिर से भी क्वेश्चन आ गया। तो देखिएगा, पहले हम 210 के क्या निकालेंगे बेटा? फैक्टर निकालेंगे। पहले क्या करेंगे हम इसके 210 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10। फिर लगाएंगे कितने का? 5 का, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर लगाएंगे हम कितने का? 3 का, 3 सात 21। फिर लगाएंगे हम कितने का भाग? 7 एकम 7 का। अब देखिएगा इसके फैक्टर कितने आए? 2 हुए, 5 हुए, 3 हुए और 7 हुए। तो हमें क्या निकालना है? गुणनखंडों का योगफल। तो 2 के हम गुणनखंड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1, 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 हो, हमेशा आंसर कितना आता है बेटा? 1 आता है। 1 प्लस 2 की पावर 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 2। हम जोड़ क्यों रहे? क्योंकि हमें क्या निकालना है? गुणनखंडों का क्या निकालना है बेटा? योगफल निकालना है। इंटू 5 की पावर 1 करें 0 करेंगे तो 1, इंटू 5 की पावर 1 करेंगे तो 5, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3, यहां पर 1 प्लस कितना आ जाएगा इधर? 7 आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ो 3, इंटू 5 में 1 जोड़िएगा 6, इंटू 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इंटू 7 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो 6 थी 18, इंटू 8 चौको 32, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 की 6, हासिल कितना आ गया? 3, 18 थी 54 और 54 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 57 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 576 है। तो कुल धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना है तो क्या बताओगे बेटा? 576 है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 के बराबर क्या होगा? देखिएगा, वो कह रहा है 10 इकाई, मैंने लिख दिया 10 इकाई, मतलब इस पूरे को 10 को क्या मान लिया उसने? पूरा इकाई मान लिया, एक अंक मान लिया। वो कह रहा है 10 दहाई, तो इकाई हो गया 0 और दहाई में हो जाएगा जी वाला, मतलब इसको एक अंक माना ना, तो इकाई और दहाई प्लस 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा और 10, ये हो जाएगा क्या हमारा? 10,000। इन तीनों को क्या करना है? अपन को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिएगा 0,000, कितना हो जाएगा? 0,1,1,0,1, 10,110। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 10,110 हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर है? वो कह रहा है 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? 10,110 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। 5 और 6 के स्थानीय मानों का क्या निकालना है? गुणनफल। तो संख्या क्या दी जा रही है? 70,560। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बेटा? 500 और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 60। तो 500 गुणे कितना करना है अपन को? 60 करना है, क्योंकि गुणनखंड निकाल गुणनफल निकालना ना इनका, इनका क्या निकालना है? गुणनफल। तो करेंगे 0,0,0 और 6×5=30, कितना हो जाएगा बेटा? 30,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 30,000 इसका आंसर हो जाएगा। फर्जी क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3488 को 12 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा, और 3478 को 11 से भाग देने पर शेषफल जो आएगा वो इन दोनों के बीच के अंतर को बताना है। मतलब क्या है कि 12 से अगर हम भाग देंगे 3488 में तो जो शेषफल बचेगा
और 11 से भाग देंगे 2478 में, जो शेषफल बचेगा उनके बीच का अंतर क्या होगा वो बताना है। तो पहले हम सॉल्व कर लेंगे, 12 का भाग लगाएंगे किसमें, 3488 में। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा बेटा जी, 10 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो शेषफल कितने बचेंगे, 10। यहां से एक उतारेंगे कितना आ जाएगा, 8। तो 12 नंबर में 108, यहां पर कुछ नहीं बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 8। तो इसका शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। अब करेंगे इस वाले को सॉल्व, 2478, 2478 में हम भाग लगाएंगे 11 का, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, 2, और इधर हो जाएगा 7, 11 दूनी 22, कितना शेषफल बचेगा, 5, इधर कितना हो जाएगा, 8, 11 5 55, कितना शेषफल बचेगा, 3, कितना शेषफल बचेगा, 3। अब वो पूछ रहा है इनके बीच का अंतर बताओ, तो 8 और 3 में कितने का अंतर आ रहा है बेटा, तो 8 और 3 में कितने का अंतर आ रहा है, तो बोलोगे सर 5 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, आओ कभी हवेली पर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से सुबह 6:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13:48 के पश्चात पहुंचती है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय ज्ञात करें, मतलब कितने बजे वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची है। तो देखिएगा, पहला वो निकली कितने बजे से थी, सुबह 6:14 पर निकली है, उसको कितने घंटे हुए हैं, पूरे 13 घंटे हुए हैं और 48 मिनट हुए हैं, तो इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 13 6 कितने घंटे हो गए बेटा, 19 घंटे हो गए। इधर मिनट कितने हो जाएंगे, इधर मिनट कितने हो जाएंगे, इधर मिनट 8 4 12, 4 1 5 1 6, कितने मिनट हो जाएंगे बेटा, 62 मिनट हो जाएंगे। घंटे कितने हो गए, 19 घंटे, मिनट कितने हो गए, 62 मिनट हो गए। मुझे बताइए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, बोलोगे सर एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट इसमें से घट जाएंगे तो कितने मिनट बचेंगे, सिर्फ 2 मिनट बचेंगे, और जो एक घंटा वो इसमें जुड़ जाएगा, हाँ या ना, तो 19 में एक घंटा जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 घंटे हो जाएंगे, और कितने मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट हो जाएंगे। तो 20 घंटे और 2 मिनट मतलब हो जाएगा 20:02, 20 बजे कितने बजे कहलाते हैं, तो बोलोगे सर 20 का मतलब होता है 8:02, रात को 8:02 पर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। क्लियर हो, आगे बढ़ो, अगर क्लियर हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना बेटा, है ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहां से आपको क्या मिल जाएगी, इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारा जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन स्टडी विथ डीके का, तो वो आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्या मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है, तो जरूर डाउनलोड कर लेना है, एक बार डाउनलोड करके जरूर देखना है, और रेटिंग जरूर दे देना बेटा, है ना। चलिएगा, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 क्या आएंगे, खिलाड़ी हैं, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, कुल विद्यार्थी की, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी है बेटा 660, कितने हैं 660, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या अगर हम बात करें, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या निकालेंगे तो लड़कों की संख्या है 660 का 2/3, 3 2 6, 3 2 6 कितना हो जाएगा, 22 2 44, लड़के कितने हैं, 440 है, लड़के कितने हैं, 440, तो हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे, लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 660 में से कितने कम कर देंगे, 440 कर देंगे, कितने कम कर देंगे, 640, 440 कम कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास लड़कियों की संख्या, 220, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 220। अब वो पूछ क्या रहा है कि खिलाड़ियों की कुल संख्या बताना है, तो खिलाड़ी अगर हम पूछेंगे, कुल खिलाड़ी बराबर कुल खिलाड़ी कितने होंगे, खिलाड़ी कितने होंगे, तो वो कह रहा है लड़कों का कितना, लड़कों की संख्या का कितना, 3/4, तो लड़के कितने थे, लड़के थे 440,
440 का तीन चौथाई प्लस लड़कियों की संख्या का एक चौथाई, तो लड़कियां कितनी थी बेटा 220 का कितना करना है एक चौथाई बटे एक बटा चार, काट पीट लेंगे, चार से काटेंगे कितना जाएगा 11, 11 तीन 33, 330 प्लस चार से काटेंगे चार पंचे 20, दो बचेंगे चार पंचे 20 55 प्लस 55 जोड़ देंगे तो पांच, पांच तीन आठ और तीन कितना हो जाएगा 385। तो कुल मिलाकर खिलाड़ियों की संख्या कितनी आ गई बेटा, खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी कितनी 385 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 385 आ जाएगी। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनट मिनटों की संख्या के बराबर है, निम्नलिखित में थे मतलब ऑप्शन हमारे किस में दिए गए हैं बेटा, दिन में दिए गए हैं। तो पहले हम 6 घंटों में किस में बदलेंगे, 6 घंटों को हमें किसे बदलना है, सेकंड में बदलना है, तो 6 घंटों को हमें सेकंड में बदलना है, 6 घंटों को सेकंड में बदलना है, 6 घंटों में कुल सेकंड कितने होते हैं, कुल सेकंड, कुल सेकंड कितने होते हैं, देखिएगा 6 घंटे × 1 घंटे में कितने मिनट होते बेटा 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बोलोगे 60 सेकंड होते हैं, 6 × 6 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा 216, कितना हो जाएगा 216। तो हमारे पास कुल सेकंडों की संख्या कितनी आ गई, 21,600 सेकंड हो गए, कितने हो गए 21,600 सेकंड। वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है, तो बेटा दिए किस में है, ये दिन में दिए गए हैं, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन को मिनट में बदलना है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, और प्रत्येक घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो लोग सर 60 मिनट होते हैं, तो वो पूछ रहा है कितने दिन होंगे, तो हम क्या कर देंगे बेटा भाग लगा देंगे 21,600 में 24 × 60 का हम क्या लगा देंगे भाग, काटेंगे 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 360 बार जाएगा, अब काटेंगे किससे 4 से, 4 से काट देंगे 4 × 24 और 4 × 36 कितना आ जाएगा 90, और 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कितना दिन आ जाएगा 15 दिन आ जाएंगे। देखिएगा मोटिवेशन कोर्स, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब मास्टर बनना ठान लिया तो ठान लिया, बस मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है और रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करना, देखो बिना प्रैक्टिस के सफलता नहीं मिल सकती है, तो ध्यान रखना बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा ही नहीं, तो आप डेली सभी सब्जेक्टों की प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाएं और प्रीवियस जरूर लगाएं, तो हमारी टीम आपको यही तो काम कर रही है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो 2011 से लेकर 2023 तक पूरे कंप्लीट कराने की कोशिश करवा रही है, ठीक है चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हो चुका था ना क्वेश्चन, इसका आंसर है 385। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाना चाहती है, टाइल्सों के निम्न साइजों में से वह कौन सी साइज खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लगा जाए, और देखो टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई है वो सब किस में है सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले हम 9 मीटर को किस में बदलेंगे, 9 मीटर को हम किसमें बदलेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा इधर 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 7 मीटर को किसमें बदलेंगे, 7 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो लिख लेना कॉपी पे अपनी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर में कितने हो गए 900 सेंटीमीटर, और 7 मीटर में कितने हो जाएंगे 700 सेंटीमीटर। अब हम इसके क्या करेंगे 900 × कितना कर देंगे 700, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 6300
63 3,30,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसकी हमें साइज की क्या बनाना है, प्रपो टाइल्स लेना है, तो कौन सी साइज के ले सकते हैं, तो पहले इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे फैक्टर, देखो फैक्टर वही आ जाएंगे 9,7,63 तो इधर हो जाएगा, इसके करेंगे तो 9 इंटू कितना कर दोगे बेटा 7 इंटू, इधर करेंगे हम तो इधर हो जाएगा कितना 25 इंटू कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 25 इंटू 400 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9,7,63 इंटू पर, देखो अगर इसको देखो इधर 9 हो गए, 25 के भी करेंगे अगर तो कितना होगा 5 इंटू 5। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो एक है 40 इंटू 65, एक है 55 इंटू 40, एक है 35 इंटू 45, एक है 35 इंटू 35, तो हम फैक्टर करेंगे तो किस प्रकार का बनेगा, देखिएगा 9,7,63 और 55 25, 63/25 का है क्या, नहीं है, इधर करेंगे 9×5 45 तो 45 आ गया, और 7×5 35 तो 7×5 35 आ गया, क्या 45 इंटू 35 है ऑप्शन में, देखिएगा कोई कोई ऑप्शन दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 इंटू 45 सेंटीमीटर के क्या लगाएंगे टाइल्स लगाएंगे, तो इन टाइल्सों को लगाने पर पूरे टाइल्स जो 9 मीटर और 7 मीटर लंबे कमरे पर लगना था वो पूरे लग जाएंगे, मतलब एक टाइल्स जो छोटा सा टाइल्स है उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है बेटा 35 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, और ये पूरे टाइल्स इस कमरे में लगना है, छोटे छोटे टाइल्स लगना है जी इस कमरे में जी, लगना है टाइल्स, और इस कमरे की पूरी लंबाई कितनी थी 9 मीटर, चौड़ाई कितनी थी 60 मीटर, और हम टाइल्स की निकाली है तो हमें टाइल्स कितने के थे 35 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर के क्या रहेंगे एक टाइल्स रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 और 49 के बीच 7 गुणजों का, देखिएगा 21 से लेकर 49 के बीच, 21 से लेकर 49 के बीच 7 के गुणज बताना है, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, देखो 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 तो ये हो गया, 21 के बाद 7 चौको 28, मैंने 28 लिख दिया, 7×5 35 35 लिख दिया, और 7×6 42 तो मैंने 42 लिख दिया, इन सबको योगफल, वो कह रहा है योगफल, योगफल कितना आ गया जोड़ दीजिएगा इनका, 5, 8×5, 13, 13 और 2 कितना हो गया 15 की 5 हासिल 1, 3×2, 5, 4, 9, 1, 10 कितना हो जाएगा 105, तो इनका योगफल कितना आ गया बेटा 105। अब है डिवाइड मतलब भाग देना है, 25 और 30 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड, मतलब 25 और 30 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड बोले तो इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 25 और 30 का अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ कहलाता है कितना बेटा 5, कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का भाग 25 में भी जा रहा, 5 का भाग किसका जा रहा, किसमें जा रहा 30 में भी जा रहा, अब वो क्या कह रहा है 105 में हम कितने का भाग लगाएंगे 5 का, तो 105 डिवाइड था ना कितना 5 था, तो 5 लिख दिए, 5 का भाग लगाएंगे 5×2 10 और 5×1 5, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, डी हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही रहेगा, क्लियर है। वो क्या कह रहा था 21 और 49 के बीच, बीच मतलब 21 के बाद और 42 के पहले, तो 28 होते हैं, 35 होते हैं और 42 होते हैं, इन सबको जोड़ दो तो कितना आया 105। 25 और 30 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड, मतलब इन दोनों के बीच का जो कॉमन नंबर है वो कौन है, और सबसे बड़ा होना चाहिए वो कौन सा है बेटा 5 है, 5 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। देखिएगा इस प्रश्न को करिएगा, आप लोग भी करने की कोशिश किया करो, करें इस क्वेश्चन को, 301 को 43 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, अपन को बताना है इसका भागफल, 301 को मैं कितने का भाग लगाना है बेटा 43 का, तो हम थोड़ा ऑप्शन पर ध्यान देंगे कि शुरुआत में कितने तक जाएगा बेटा 7 तक, मतलब है कि 43 का भाग देंगे तो कितना जाना चाहिए पहले 7 तक, 7 तक जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 301 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 301 कट जाएगा पूरा। अब देखिएगा इधर कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, इधर 0 है तो इधर भी एक 0 ले लेंगे, क्या 43 का भाग 0 में जाएगा, नहीं जाएगा, अब बचा कौन 3, तो 3 ले लिया तो यहां पर भी क्या आ गया 0, क्या 43 का भाग इस 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम क्या निकल लेंगे अब 0, तो 0 इधर आ जाएगा तो इधर भी 0 आ जाएगा, क्लियर है।
अब कितना बचेगा, इधर इधर कितना बचेगा बेटा, अब इधर आ जाएगा एक। अब क्या 301 में जा रहा भाग, बोलोगे हाँ जा रहा, कितनी बार जाएगा बेटा, 7 बार। तो 301 में हम भाग दे देंगे तो कट जाएगा, तो हमारा भागफल कितना बचेगा, भागफल बचेगा 70,007। 70,007 कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है बेटा 4 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी, मतलब कितने डिग्री होंगे। वो कह रहा है 4 1/3 समकोण में, मतलब 4 समकोण में, समकोण कितने डिग्री का होता है, समकोण की बात करेंगे तो समकोण कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर हम 4 समकोण की बात करें, कितने समकोण की बात करेंगे, 4, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 90, तो कुल मिलाकर कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। और मतलब और 1/3 समकोण में, और 1/3, 1/3 मतलब 90 का 1/3 निकालना है, 90 का 1 समकोण हो गया 90 और इसका हो गया 1/3, 1/3 को काटेंगे, 3 3 9 कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा। इनको बताना है जोड़कर, 0 6 3 9 और 1 3 390। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर जरूर आप क्लिक कर दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। डेली आपको सुबह 11 बजे आपको मैथ की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो डेली आप सुबह कितने बजे आ जाइएगा, 11 बजे आप लोग आ जाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। और आपसे बोला था कि आप हमारा जो ऑनलाइन स्टडी विथ डीके का जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। इस पर आपके पास आपको जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो आपको 500 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जय हिंद।